गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से ध्रुवीय, खम्भदीय, समदूरस्थ प्रक्षेप के बारे में, यानी जो ध्रुवों पर जो समदूरस्थ प्रक्षेप है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है। अब देखो, पहली बात है कि अक्षांश वर्त है और ध्रुवीय केंद्र को, यानी जो भी अपन ध्रुवीय केंद्र बनाएंगे या जो अपन ध्रुवों पे जो प्रक्षेप बनाएंगे उनमें अक्षांशों को ध्रुव को केंद्र मानकर अपन अक्षांश रेखाएं खींचेंगे, ध्रुव को केंद्र मानकर अक्षांश रेखाएं खींचेंगे। और दूसरी बात, प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें केवल एक ही गोलार्ध का प्रदर्शन किया जा सकता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या चाहे केवल दक्षिणी गोलार्ध हो, केवल एक गोलार्ध का अपन प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अपन के पास में जो प्रश्न दिया हुआ है कि एक आरएफ का मान दिया हुआ है 1:200 और अंतराल इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री का अंतराल। अब इससे अपन जो ध्रुवीय खम्भदीय प्रक्षेप का चित्र है किस प्रकार से बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन को आर चाहिए होती है कि आर किस प्रकार से निकालते हैं। पृथ्वी का जो अर्धव्यास है उसमें अपन जो वास्तविक अर्धव्यास का भाग दे देंगे आरएफ का, तो ये जो भाग आएगा जो आपके ये आ जाएगा आर का मान 3.17 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात इसमें दी हुई है कि 30 डिग्री के अंतराल के पश्चात में जो आपके पास में चाप की लंबाई है, अपन जो अक्षांश रेखाएं किस चाप के हिसाब से खींचेंगे, तो 2πr × 30 अंतराल जो टोटल दिया हुआ था, जो अंतराल 360 वर्त का, तो 2π 2 और 22/7 और r का मान है अपन के पास में 3.17 सेंटीमीटर अपॉन 360 ये वाला, और अंतराल आपका दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये जो मान आएगा आपके पास में 1.6 सेंटीमीटर का आ जाएगा लगभग। अब आपको करना क्या है कि अपन के पास में दिया हुआ 3.1, तो मैं 3.1 आर का मान है, तो ये मेरे पास में 3.1 है मान लो, तो इस 3.1 की इस प्रकार से मैं गोला बनाऊंगा 3.1 से, यानी 3.1 जो आपके पास में दिया हुआ है यहाँ पर मैं खींच देता हूँ, ये मान लो 3.1, इसको अपन क्या करेंगे एक वर्त बनाएंगे 3.1 का, ये इस प्रकार से ये 3.1 डिग्री का चाप का वर्त हो गए, ये आर है 3.1 और इस प्रकार से अपन ने एक चाप खींच दिया बराबर। अब अपन क्या करेंगे, इस रेखा को आप लंबा खींच सकते हो पूरा, तो ये हो जाएगा आपके बीच का आर का मान, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एन, ये आपका कोई भी गोलार्ध एक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अब इसी को क्या करेंगे अपन बीचों बीच से इसको एक चाप से काट देंगे ये वाला इस प्रकार से। अब अपन को करना क्या है, 1.6 डिग्री का है तो 1.6 डिग्री से यहाँ पे एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ एक चाप काटेंगे इस प्रकार से, क्योंकि अंतराल आपका 30 है तो 30, 60 और 90 ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो, जो भी यह मान दिया हुआ होगा आपके पास में, इन तीनों मान से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1.6 पहला मैंने निशान लगा दिया, फिर 1.6 का, फिर 1.6 इधर भी 1.6 इधर भी 1.6, यानी ये जो मान आएगा ये आपके इधर इस प्रकार से हो जाएगा 1.6 1.6 1.6। तो थोड़ा सा गोला इधर से बड़ा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ऊपर से, ये 1.6 का मान लो इस प्रकार से वर्त बन गया। तो आपको करना क्या, इनको यहाँ से 1.6 को इस प्रकार से एक गोला बना देना, ये फिर आपका दूसरा दिया हुआ है यहाँ से 1.6 और लिया तो ये दूसरा गोला बन गया, यानी आपको अपने सहायता से प्रकाश लेना, और तीसरा ऑटोमेटिक बन गया, ये वाले तीन जो वर्त बन गए। तो ये जो वर्त है यहाँ पे देखो, ये तो अपन का जो एन है ये 90 डिग्री को दर्शा रहा, फिर ये 60 डिग्री को दर्शा रहा, फिर ये 30 डिग्री को दर्शा रहा, फिर ये जीरो को दर्शा रहा, यानी 0, 30, 60 और 90 उत्तरी गोलार्ध का, तो ये तीन हो गए आपके अक्षांश। अब आपको देशांतर रेखाएं खींचनी है, तो ये जो लाइन है ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये 90 का एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, तो यहाँ पे आपको 30 30 डिग्री के अंतराल से आपको क्या करना है बनाना, जैसे यहाँ मैंने 30 डिग्री, ये 60 और 90, फिर 30, फिर 60 90, फिर 30 60 90 30 और 60 90, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से मिला देना है ये, इसको जो भी लाइन मिलाओगे इसके सामने वाली लाइन ऐसे मिल जाएगी, जो भी आप लाइन मिला रहे हो इसके सामने वाली लाइन ऑटोमेटिक इस बिंदु से होती हुई मिल जानी चाहिए ये इस प्रकार से। फिर आपके पास में ये लाइन दी हुई है ये मिल जाएगी,
यहाँ से ये जो लाइन है ये देशांतर रेखाएं कहलाएगी। तो देखो ये 0 डिग्री हो गई, यहाँ पे अंतराल आपका 30 डिग्री का 30, ये 60, फिर देखो ये तो अक्षांश वाली लाइन है 30 और ये वाली देशांतर वाली है 90 है, फिर 90 के बाद में 30 120, फिर हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा 180, फिर 180 के बाद में 30 210, फिर 240, 270 और ये 300, ये 330 और ये वापस हो जाएगी 0 और 360। तो ये देखो इस प्रकार से जो आपका जो वर्त बन जाएगा ये केवल और केवल इसमें एक गोलार्ध का प्रदर्शन किया हुआ। देखो ये उत्तरी गोलार्ध, या मैंने लिख रखा है पहले से ही एन 90 के पास में, ये उत्तरी गोलार्ध का 90 डिग्री वाला बिंदु है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 ये वाला। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 3.1 सेंटीमीटर का इस प्रकार से एक चाप खींचना, 3.1 डिग्री का, उसको आपको क्या करना है ऐसे वर्त बना देना, वर्त बनाए, फिर ये वाली लाइन है इसको क्या कर देना प्लस से मिला देना इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, 1.6 दिया हुआ ये वाला जो आपके अक्षांश के चाप की लंबाई है, यहाँ से आपको 3 चाप काट देने, क्योंकि 30-30 डिग्री का अंतराल है तो 3 चाप कटेंगे, तो यहाँ से 3 चापों को इस प्रकार से मिला देना, पहला ये, दूसरा और ये पीछे तीसरा, तो ऐसा कैसा अपन ने यहाँ पर भी मिलाया था। फिर आपको 30-30 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री के अंतराल से देशांतर रेखाएं खींचनी, तो ये 1 हो गई और ये 2, ये 30, ये 60 और ये 90, इन्हीं को क्या करना आगे मिला देना इसी प्रकार से, इनको क्या कर देना आपको आगे मिला देना, ये मिल जाएगी इस प्रकार से। ये जो लाइन इस प्रकार से बन जाएगी, ये इस प्रकार से, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाएगी। तो हमने सीखा कि ध्रुवीय जो खम्भीय प्रक्षेप है उसमें अक्षांश रेखाओं को ध्रुव मानकर, या ध्रुव को अपन क्या करते हैं, ध्रुव को केंद्र मानकर अक्षांश रेखाएं खींची, अपने गोल गोल वर्त बनाया, फिर अपन को इसमें केवल एक ही गोलार्ध का प्रदर्शन कर सकते हैं और आर का मान निकालना है और चाप की लंबाई निकालनी है। बस इस प्रकार से जो आपका चित्र बनेगा ये आपका ध्रुवीय खम्भीय समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप बन जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को इसी प्रकार लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। ये आपके जो प्रैक्टिकल की जो क्लास है ये आपके लिए MDS है या JNU यूनिवर्सिटी है या राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जहाँ कहीं भी आपको ध्रुवीय खम्भीय प्रक्षेप मिलेगा वहाँ पे आपको ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद करते हो या लाइक करते हो तो आप कमेंट जरूर करें और इसको आगे से आगे शेयर जरूर करें और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।